हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी टेंथ पास कैंडिडेट के लिए जस्ट आफ्टर टेंथ आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे परमानेंट भर्ती है सिर्फ अगर आप टेंथ पास हैं कोई भी अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है या कोई अदर डिप्लोमा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपने टेंथ के साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं सो so, दोनों ही कंडीशन में टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सो so किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एंड जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है फिजिकली या रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं सारा सब कुछ सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी सो अगर आप टेंथ पास गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा परमानेंट भर्ती और सिर्फ अगर टेंथ पास है क्योंकि बहुत सी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें टेंथ uh, के साथ में आई आई या अदर कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पर सिर्फ टेंथ के बेस पर भी अप्लाई कर सकेंगे और आईटीआई के बेस पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अदर डिप्लोमा या एक्सपीरियंस के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं सो so चलिए इसका हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं सो so यहां पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजबेल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है अभी ये टेम्प्रेरी वेस है बट लकीली टू बी परमानेंट इन आई टी वी पी सो ये यहाँ पर जब भी वैकेंसीज आती हैं इस तरह की तो इसमें बताया जाता है कि ये परमानेंट नहीं है टेम्प्रेरी है बट लकीली टू बी परमानेंट सो ये परमानेंट ही होती हैं ओके okay, ईटीबीपी से ये वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों ही ऑनलाइन मोड से इसमें अप्लाई करना होगा अप्लाई करने की आप देखने 2022 से 22 दिसंबर पूरा वन मंथ आपको यहां पर मिल रहा है 23 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर टेंथ सिर्फ टेंथ बेस पर भी अप्लाई कर सकेंगे और टेंथ के साथ में आई अगर आपने किया है या एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकेंगे तो यहाँ पर हम पोस्ट डिटेल देखेंगे कॉन्स्टेबल टेलर कॉन्स्टेबल गार्डनर कोवलर सफाई कर्मचारी वॉशरमैन एंड वार्वर टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं मेल फीमेल सभी के लिए सभी ट्रेड्स में सभी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं कैटेगरीज वाइज भी अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वैकेंसीज आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिएगा इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पे uh, स्केल तो लेवल थ्री से इसमें सैलरी रहेगी इक्कीस हजार सात सौ से उनहत्तर हजार सौ सेवन सी से, से यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी अदर अलाउंसेस जो आईटीबीपी जो फोर्सेज में रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन तो जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 23 साल रहेगी जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा टेलर, दो साल का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेलर गार्डनर एंड कोबलर का ठीक है एक्सपीरियंस अगर आपके साथ है आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने वन ईयर का सर्टिफिकेट आई आई कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा टू ईयर डिप्लोमा फ्रॉम आई यानी आई से आपने टू ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद है कॉन्स्टेबल सभाई कर्मचारी इसकी एज है अठारह से पच्चीस साल जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए मेट्रिकुलेशन सिर्फ यहाँ पर टेंथ पास मांगा गया है कोई भी आईटीआई वगैरह यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है सिर्फ टेंथ के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 18 से 25 साल जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज है रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा यहां पर बर्थ डेट भी दी गई है आपका बर्थ डेट या बर्थ जो ईयर है वो यहाँ पर दिया गया है से किस सन में आपका बर्थ होना चाहिए किनके बीच तो यहाँ पर देखिए एस सी एस टी कैंडिडेट को फाइव इयर्स का ओबीसी के लिए थ्री इयर्स का एक्स सर्विस मैन के लिए दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहेगा इसमें तो कांस्टेबल टेलर गार्डनर एंड कोवलर के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए एक सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए एक सेंटीमीटर जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय आशाम एंड गरवालीज हैं गोरखाज हैं डोगराज मराठाज उनके लिए एज एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट इसमें जो चेस्ट है वो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है के 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 लिए 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 और और 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहां पर आपके चेस्ट male candidate के लिए दिया गया है इसके बाद वॉशरमैन वार और सफाई कर्मचारी इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए एक सेंटीमीटर होना चाहिए सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट के लिए लेकिन जो वही अगेन हिल एरिया से बिलोंग करते हैं मराठास गोरखास इनके लिए सेंटीमीटर और फीमेल के लिए एक भी इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर दिया गया है सो मेडिकल टेस्ट होगा इसमें आप इसको देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई तो यहां पर आपको जो ऑफिसियल वेबसाइट है आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट आप उस पर जाएंगे तो वहां पर जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसी लिंक पर आप जाइएगा तो वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे नोटिफिकेशन रीड कर सकेंगे और ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकेंगे एप्लीकेशन फीस हंड्रेड रुपीज एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व ओबीसी एंड ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए इसके अलावा जो एस सी एस टी कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी एंड जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है सो ट्वेंटी थर्ड नवम्बर आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा पीई टी ये भी होगा सबसे पहले आपका क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट होगा यानी पीई जिसमें वन किलोमीटर रनिंग कराई जाएगी मेल कैंडिडेट के लिए सेवन मिनट थर्टी सेकेंड्स में एलेवन फीट लॉन्ग जंप एंड साढ़े तीन फीट हाई जंप रहेगी थ्री चांसेस में दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगी फोर मिनट फोर्टी फाइव सेकेंड में नाइन फीट लॉन्ग जंप थ्री फीट हाई जंप रहेगी थ्री थ्री चांस इसमें भी दिए जाएंगे जब आप पीई क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होगा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फर्स्ट फेज हो गया फर्स्ट फेज में आपका पीईटी और पीएसटी होगा इसको क्लियर करने के बाद सेकंड फेज आएगा जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा ओ एमआर बेस्ड यहां पर होगा फिफ्टी मार्क्स का रहेगा ओके एम सीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेंगे ओएमआर बेस्ड हो सकता है या फिर सीबीटी बेस्ड हो सकता है दोनों में से अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ओ एम आर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ठीक है आप इस पर अपडेट रहिएगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट्स तो रिटर्न एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी फिफ्टीन टेन फिफ्टीन टेन आप क्वेश्चन देख रहे हैं किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे वन आर्स का इसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा

सो so, यहाँ अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की फर्स्ट फेज आपका पीई टी हो गया सेकंड फेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा थर्ड फेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो भी ट्रेड यहाँ पर आपको बताए गए हैं फिफ्टी मार्क्स का रहेगा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेलर के लिए किस तरह से होगा वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं उस हिसाब से सफाई कर्मचारी के लिए कौन सा टेस्ट होगा कितने मार्क्स का क्या होगा यहाँ पर पूरा दिया गया है उसके बाद मैरिट तैयार की जाएगी फेज फोर्थ आएगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा देन मेडिकल स्टैंड मेडिकल टेस्ट आपका रहेगा ओके okay? सो so, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर ही ज्यादातर डाउट रहता है कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा तो यहां पर मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं सबसे पहले आपका फेज फर्स्ट फोर्थ फेज होंगे इसमें आपके जिसमें फर्स्ट फेज में आपका पीईटी पीएसटी होगा सबसे पहले वो क्लियर करने के बाद आपका सेकंड फेज होगा जिसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका होगा पेडिकल टेस्ट ओके उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग आपकी परमानेंट भर्ती इसमें हो जाएगी वैसे नोटिफिकेशन में टेम्परेरी दिया है लेकिन हमेशा इस तरह के नोटिफिकेशन में आप देखिएगा टेम्परेरी दिया जाता है लेकिन साथ में दिया रहता है लकीली टू बी परमानेंट जो कि इसमें भी दिया गया है so, सो ये परमानेंट ही रहेगी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू